अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपके घर में भी सब ठीक होंगे और सबके लिए अच्छी सी दुआ करें, सबके परेशानियाँ ख़त्म हों। सबके लिए मैं दुआ करूँ? हाँ, सबके लिए मैं दुआ ऊपर वालों से मैं दुआ करती हूँ और सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान पैदा करे और जिसके जिसके भी बुरे हालात हैं, जो तकलीफ़ें में, अल्लाह ताला सबकी तकलीफ़ें दूर करें। और मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग फ़ैन हो हमारे, हमारी दोस्त हमारी वीडियो देखते हो और बड़े मैसेज भी करते हैं हमारे जो चाहने वाले जो हैं, जो तो भाई जान मुस्कान के लिए मैसेज किया करें। नहीं नहीं, मैसेज करते हैं मैसेज, कमेंट हाँ कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, हाय मुस्कान कैसी हो, ठीक हो, मतलब मैं मैसेज में पढ़ती रहती हूँ। मैं मुझे खुशी होती है कि माशाल्लाह से इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। आप लोग सुने, मुस्कान बहुत आगे कुछ बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। आप लोगों ने इतना नहीं नहीं किसी ने कहा वीडियो पे कि इंडिया में कौन सा काम है, सारा काम नहीं, नेटफ्लिक्स का कौन सा काम है, वो कह रहे कि वो आ जाओ। हाँ वीडियो आप नहीं बोले थे एक्टिंग करती है, तो उन्होंने कहा था आ जाओ, हमें चाहिए वीडियो बनानी है उसके लिए। बस ठीक है, तो आप वीजा दे दें। नहीं नहीं, आप लोग मैसेज करते हैं, मैं पढ़ती हूँ और अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग मुझे इतनी शौक से देखते भी, मेरी तारीफ भी करते हैं। और जो कोई अगर हमें मीडिया से देख रहे हैं या कोई बंदा ऐसा है जो इनके लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं कि ये अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाए, ये इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हैं, काम कर रही हैं अपने बलबूते पे बगैर किसी सहारे के, अपने बलबूते पे बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो आप लोग इन्हें समझ चुके हैं, थोड़ा सा इन्हें देख चुके हैं, तो आपके माइंड में भी ऐसी सजेशन हो तो आप ज़रूर बताएं। और बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, गपशप तो चलती रहती है। पाक मीडिया क्राइंग एज गाना एक्सेप्ट UPI सिस्टम। गाना कोई कंट्री है मेरे ख्याल में शायद, गाना ये UPI जो इनका सिस्टम है ना पेमेंट वाला, अच्छा, इनका जो अच्छा। पेमेंट का सिस्टम है ना UPI वाला, तो वो जो जिसमें 10 रुपए 20 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो कोई कंट्री ने शायद अडॉप्ट किया। देखते हैं। गाना हैव अग्रीड टू इंप्लीमेंट इंडियाज़ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम UPI ऑन गानास इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स विद इन 6 months. The development comes against the backdrop of UPI rapidly gaining momentum, particularly over the last 5 to 6 years. पहले ये है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है UPI, उसको श्रीलंका, मॉरिशियस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मीन्स के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। कंट्रीज की बात करें, उन्होंने भी जो है UPI इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों के झंझट से जान छूट जाती। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। UPI इंडिया का अपना पर्सनली गवर्नमेंट का मुतारिफ करवाई होगी, एप्लीकेशन है, ऑनलाइन बैंकिंग है जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं इंडियन रुपी के अंदर। इंडिया ने ये ऑलरेडी 16 कंट्रीज के साथ अपनी रुपी के अंदर ट्रेड कर रहा है। लगा के भाई हमें भी UPI मुतारिफ करवाओ, हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। गाइस, इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो खैर भारत के UPI से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर UPI एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। पहले जो है वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि इंडियंस काइंडली आप हमारे कंट्री के अंदर भी एक UPI जैसा जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन है, हम बहुत सारी चीज़ों में फंसते हैं, रेड टेप में फंस जाते हैं, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है स्टेट। दोस्तों, UPI को लेकर 76 देशों ने कमिट किया है कि वो आने वाले 5 सालों में UPI का प्रयोग करेंगे। 15 से ज़्यादा देश UPI का प्रयोग करें। इसराइल भी उन देशों में से है जिसने कमिट किया है कि वो UPI का प्रयोग करेंगे टेस्टिंग फेज़ में। दोस्तों, 50 से ज़्यादा देश UPI अभी टेस्टिंग फेज़ में कर रहे हैं कि यार उनके देश में UPI कन्वीनियंट होगा या नहीं। ऐसे में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में खास करके UPI के बारे में ध्यान दिया, केन्या में, नाइजीरिया में, और इसके बाद अब जब खबर निकल के आई है घाना में UPI सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा आने वाले 6 महीनों में, तो आप इससे समझ सकते हैं भारत की कितनी ब्रांडिंग बनेगी। क्योंकि अगर एक बार UPI बंदा यूज़ करने लगता है तो फिर हर घंटे या हर सामान खरीदते समय उसे UPI कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ता है, तो इससे जो भारत की एक समृद्धता है वो दुनिया के सामने जाएगी। और इससे कुछ खास तो फ़ायदा है ही, और जो हमारे वित्तीय फ़ायदे तो हैं ही, साथ के साथ एक मैटर ऑफ प्राइड भी है, गर्व की बात भी है कि यार पूरी दुनिया एक मेड इन इंडिया चीज़ यूज करेगी। जैसे USA की चीज़ें इतनी दुनिया में पॉपुलर है तो USA रिवेन्यू तो कमाता ही कमाता है, रिवेन्यू तो कमाएगा ही, लेकिन उसके साथ USA की एक ब्रांडिंग भी होती है कि भाई ये चीज़ USA का है, एक तरीके से ये गर्व की बात होती है।
ठीक है। सो भारत का यूपीआई जैसे जैसे दुनिया में फुटप्रिंट बनाएगा तो भारतीयों के लिए भी एक गर्व की बात है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए, उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना, तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का, और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है अपनी करेंसी में लिया, फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है अपनी करेंसी में, उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सके। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है, उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। यूपीआई पेमेंट मेथड की जो सुर्खियां बटोर रहा है इस वक्त, अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किए जाने वाला यूपीआई आज दुबई में भी है, सऊदी अरब में, कनाडा में, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, और इसके साथ साथ बहुत सी कंट्री है जिसके अंदर यूपीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। 1947 में मुल्क बना, आज हमारे मुल्क को माशाल्लाह से 77 साल हो गए, लेकिन डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब धरा का धरा रह गया। हमारे बाद बनने वाली जो मुल्क है आज वो डिजिटलाइज हो गया, लेकिन आज भी हम जो है अपनी करेंसी को कम से कम वैल्यूज में छाप रहे हैं और जो उसके ऊपर अमाउंट है वो बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। क्या कहेंगे, जो डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है ये क्यों सच होता दिखाई नहीं दे रहा? नहीं नहीं, मैं तो दोनों चीजों से इनराफ करता हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें उस जगह पे लागू होती हैं जिस जगह पे कुछ सिस्टम हो, सिस्टम पे चीजें बनती है ना। अच्छा, तो इस वक्त तो हमारा जो स्टेट बैंक एक कौम का बैंक होता है ना, उसमें तो आईएमएफ बैंक ने आगे कंट्रोल, आईएमएफ आ गया, ठीक है। नहीं, अब 100 रुपया भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, तो वहाँ पे हम डिजिटल का ख्वाब या किसी और का ख्वाब किस तरह देख सकते हैं? हमेशा माशरे किसी निजाम से बनते हैं। हाँ। कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत है, मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूँ, मैं नेशनलिज्म भगत हूँ। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, ये एक बात है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जुनूनियत है ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। डिजिटली पैसा ट्रांसफर करना कितना आसान है और इस जमाने में कैश रखने के बारे में क्या कहोगे? आज के दौर में जेब के अंदर पैसा रख के ट्रैवल करना, शॉपिंग करना रिस्की है कि सेव है? सेव कैसे है, यहाँ पर तो जेब कतरे ही बड़े हैं। अच्छा, वो हम ऐसे अब जब जाते हैं हम, तो वो फिर हमारी जेब को काट लेते हैं हम। अच्छा। और हम जब जाने लगते हैं तो हमारी जेब जब कट जाती है, फिर हम कैसे शॉपिंग करें, कैसे हम अपना यानी कि अपने आप को सेफ रखें? बाजार में तो इतना रश होता है। अच्छा। और हम अंदर जाते हैं, हमें ऐसे कभी इधर इधर टकराव होता है तो कितनी यानी कि पैसा रखना खतरे वाली बात है। अब घर में रखें तो फिर शॉपिंग कैसे करें, घर से क्या व्हाट्सएप पे मंगाएं? अच्छा, चलो हमारा साथ वाला मुल्क है, उनके अंदर जो है ना यूपीआई, गूगल से एक ऐप डाउनलोड होती है, उसके अंदर वो करेंसी रखते हैं। अगर 1 रुपए का गोल कप्पा भी लेना हो, क्यूआर स्कैन करके लेते हैं। उन्होंने करेंसी छापनी भी कम कर दी है और उनका ये जो ऐप है पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, और उसकी लिमिट डेली की स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख की कर दी है। तो वो इतना डिजिटलाइज हो रहा है, आज भी हमारे हर बंदा कहता है यार पैसे दे दो, और ना किसी का बैंक है, ना किसी का जायज कैश अकाउंट है, ना किसी का इजी पैसा अकाउंट है। क्यों इतना पीछे, आज भी हम 100 साल पुराने जमाने में क्यों रह रहे हैं? हम कुछ करेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना। हम बस बातें कर सकते हैं। अच्छा। काम करने से आगे होता है इंसान। बातें तो आप जिसको मर्जी बुलाएं, वो आपको अपनी सुना देगा, वो आपको अपनी सुना देगा। डिजिटल अच्छा। पाकिस्तान का ख्वाब मैंने भी देखा, आपने भी देखा, इसकी हकीकत क्या है? सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, उन्होंने भी जो है यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों के झंझट से जान छूट जाती। डिजिटली शौर ही नहीं। हाँ जी, डिजिटल करेंसी के बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, पैसे होते नहीं रखेंगे काम पर। हाँ, है ही नहीं तो रखने की। है नहीं। हाँ, टेंशन सब मजदूर हैं जो सबके पास होते नहीं।
वो तो मजदूरी करते हैं, मजदूर लोग मजदूरी करते हैं, नहीं मिलती तो कुछ मिल जाता है खा लेते हैं। आप अपने हमसाया की बात करो, उन्होंने कैसा सिस्टम बनाया कि एक रुपए का गोल कप्पा भी है ना तो वो QR स्कैन करते हैं, पेमेंट देते हैं जेब के अंदर, खाएंगे कैसे? आज तो 5 रुपए की गोली भी नहीं मिलती सर्द में दर्द की। अच्छा कितने रुपए की होगी? 15 रुपए की होगी। सर दर्द लगवाने के लिए 15 रुपए रेडी रखो। हाँ जी 50 रुपए फीस। अच्छा, तरक्की की बात करें, डिजिटल पाकिस्तान टॉपिक पे होने इधर उधर की मार रहे हो, डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कब पूरा होगा? जिन मुल्कों ने डिजिटलाइज किया कैसे हो गया? क्या देखा ख्वाब? मजदूर रोडों पे निकले हुए हैं, ख्वाब पूरी है। हाँ जी ये कैसी बात है? तरक्की है नहीं मुल्क की? तरक्की नहीं हो रही। नहीं हो रही। और क्या जहन बढ़ रहे हैं? जहन तो की बनेंगे, मजदूरी पे जा रहे जहन साहब के, जो बच्चा छोटा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, घाना एक अफ्रीका का काफ़ी बड़ा देश है, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे काफ़ी बड़ा देश है, और उनके जो एम्बेसी थी वो पिछले 2 साल से भारत में रिसर्च कर रहे थे UPI के बारे में कि UPI सूटेबल होगा घाना के लोगों के लिए, यानी कन्वीनियंट होगा, आरामदायक होगा यूज़ करने के लिए यानी। सो उन्होंने फाइनली जो रिपोर्ट सौंपी है घाना गवर्नमेंट को कि भारत सरकार के साथ UPI की डील तय कर लेनी चाहिए, और दोस्तों खुशी की बात यह है कि घाना गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट के बीच UPI की जो डील है वो तय हो चुकी है, और घाना गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है भारत सरकार से कि वो आने वाले 6 महीनों में UPI का लॉन्च अपने देश में कर देंगे। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, गल्फ नेशन UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यहाँ सब पे UPI का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी मॉल्स वगैरह और दुकान में ओपन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस में भी ओपन हो चुका है। इवन दो फ्रांस के एफिल टावर का जो टिकट होता है UPI का प्रयोग करके हम खरीद सकते हैं। तो अगर अफ्रीका में भी UPI अपना फुटप्रिंट बढ़ाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका तक पहुंचने में उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। अभी हम देखेंगे तो अफ्रीका के जो 50% देश हैं वहाँ पे 4-व्हीलर कार, जगुआर वगैरह अभी उतनी आई है लेकिन उतनी एफिशिएंटली नहीं आई। तो अगर भारत शुरुआती दिनों में UPI का प्रचार प्रसार कर लेता है अफ्रीका में, घाना जैसे देशों में, तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। ऑलरेडी हम अफ्रीका के नाइजीरिया और समेत कई देशों में कर चुके हैं UPI का प्रचार प्रसार। जी जनाब। अच्छा UPI के बारे में आपने पहले भी वीडियो देखी है? मैंने पहले भी वीडियो देखी थी। सुना इसके बारे में? बहुत तारीफ की थी। सुना इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में जो भी इन्होंने किया है ये आवाम के लिए सहूलत के लिए ही किया है, क्योंकि उनको उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई टैक्स नहीं लिया, कोई पैसे नहीं कटेंगे, तो हम लोग समझ रहे थे ना कि सिर्फ इंडिया ही में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दुबई में भी है, ये कह रही है कि काफ़ी मुल्कों में है ये सारी, तो खुशी की बात है। और भी कंट्री जो है उसको अपनाते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं सारी कंट्री में, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कैश पैसे होते हैं गिर जाते हैं या कुछ ऐसे बहुत सारे मसले हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कार्ड एक सहूलत है, एक इंसान कार्ड का कुछ भी लेना हो, जो भी आपको पसंद आए ये मोबाइल से ही हो रही है, मोबाइल से। और कितनी अच्छी बात है यार, आपने आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है UPI की, आप उसी के जरिए से पेमेंट दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो नहीं, बहुत अच्छा है। इंडियन कहते हैं कि अब हमने पैसे रखने ही छोड़ दिए। वो आपने वो वीडियो देखी थी? आपने देखी थी वो जिसमें फकीर ने वो लगाया हुआ था UPI के लिए, यानी कि फकीर को भी दो पैसे तो किस तरह से दो UPI के, तो फकीर भी जरूरी है। हाँ ना, फकीर को मांगने से जरूरी है, उसका बिजनेस है, जरूरी था वो भी मोबाइल लेके कार्ड वर्ड लगा कर बिल्कुल। तो देखो उनका बिजनेस है ना, उनका शुरू से चलता रहा। नहीं, पहली बात है ना, देखिए इसमें ये तरक्की हो रही है तो वो भी तरक्की करेगा। पहली बात ये देखिए, ये हमें सहूलत दे रही है आवाम को, इसमें ये है कि कोई टैक्स नहीं, कोई पैसे नहीं कटेंगे, तो लोग ईजी हो के यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद भी आया। अच्छा, हम हमारे मुल्क में कितने IT के लड़के लड़कियाँ होंगे, कितना ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने ज़्यादा कॉलेज हैं, कितना मतलब है कि तो हमने अभी तक ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। पैसे चोरी हो जाती हैं, कोई इंसान अलमारी में रखता है, कहीं बैग पे रखता है, कहीं वाशरूम जाना, कोई दोस्तों के आगे पीछे होता है, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, और पैसे इतनी ज़रूरी है, इंसान कहीं बाहर जाता है तो उसकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब इंडिया में नहीं भी हो तो मसला नहीं है, बस आपके अकाउंट में है, कोड नंबर आपको याद है, आप इजी होके कर सकते हो, तो बहुत कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही जबरदस्त और बड़ी खुशी। जब मैं भी स्कूल जाती थी ना, मेरे पैसे बहुत सब ने चुराए लड़कियों ने, जैसे मैं वॉशरूम गई हूँ या लंच करने गई ना, तो बैग खोलती थी, मैं पैसे नहीं होते थे। कितने चुराए? कभी सैंडल चोरी हो जाती थी, चप्पल चोरी हो जाती, बैग पे जैसे शूज अच्छा आदमी पहन के गई, ये कोई और लड़की अच्छा पहन कर आई, तो वो उसका शूज ऊपर सुबह के टाइम पे वो छुपके से अपने बैग में उसी वक्त डाल के ले आते थे।